दोस्तों साउथ कोरिया की सी3 वीजा क्या है, किस किस के लिए एलिजिबल है और कितने दिन के लिए आपकी जो है आपको मिलती है, तो वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है साउथ कोरिया की जो है सी3 वीजा से रिलेटेड। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं जिससे कि आपको भी पता चल जाए और आगे आप दूसरे लोगों के साथ ये चीज शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं जो साउथ कोरिया की जो सी3 वीजा होती है वो क्या होती है और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये दूसरे लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कि साउथ कोरिया की जो ये साउथ जो सी3 वीजा होती है ये जो है एक तरीके से मल्टी एंट्री वीजा होती है। इसमें यह है कि देखिएगा ये आपको मिलती है जैसे कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं मल्टी एंट्री वीजा। आप इसको जो है मल्टीपल वीजा भी बोल सकते हैं। ये 5 साल से लेकर 10 साल तक को आपको मिल सकती है। ये एम्बेसी के ऊपर बात है कितने साल के आपको मिले, यानी आपको बार बार जो है वीजा लगवाने की जरूरत नहीं। आप जैसे कि वहां पर बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं या जो है आप कोई आपका वहां पर कोई इन्वेस्ट का प्लान है तो आपको ये वीजा मिल जाता है। तो ये देखिएगा एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी जो है 11 कंट्रीज को जो है मिलता है, 11 कंट्रीज जो है उनको ये मिलता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये शामिल है। इनको जो है ये डिपेंड करता है कि उनको 5 साल का मिलेगा या 10 साल का, वो डिपेंड करता है आप वहां पर क्या जो है दिखाते हैं अपना, जैसे कि बैंक स्टेट वगैरह जो बराबर दिखाएंगे कि आप वहां किस पर्पज आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वीजा मिलता है, जो साउथ कोरिया का सी3 वीजा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिएगा इसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं और इसमें देखिएगा जो वियतनाम में रहते हैं उनको जो है वियतनाम, अगर आप जो देखिएगा If you are in Vietnam, अगर आप जो है वियतनाम में कंट्री में हैं, if you are in Vietnam, वियतनाम कंट्री में, तो आपको ये जो है 5 साल का वहां पर आपको मिल जाएगा ये वीजा। ठीक है, अगर आप वियतनाम में हैं तो साउथ कोरिया का 5 साल का आपको ये वीजा मिल जाएगा सी3, अगर आप वियतनाम में हैं। ठीक है, और वहां क्या है आप जो स्टडी पर गए हो या जो है आप जो है किसी भी उस पर गए हो। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये जो मिनिमम जो इसकी वो होती है 30 डेज के लिए आप जो है वहां पर रह सकते हैं 30 डेज। 30 डेज के बाद यह है कि आपको वहां से जो है चेकआउट होना पड़ेगा। जब चेकआउट हो जाएंगे तो फिर दोबारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं, यानी 30 डेज में आपको वहां से जो है चेकआउट होना है, वहां से यानी निकलना है, एग्जिट होना है वहां से। ठीक है, तो ये जो है इसकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन है। इसमें कुछ भी और भी दिक्कत है मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं, बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है जो साउथ कोरिया की सी3 वीजा है उससे रिलेटेड बता दीजिएगा। ये एक मल्टी एंट्री वीजा है, ये 5 से 10 साल तक की जो है मिलती है। एशिया की 11 कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश शामिल है। और ये जो है अगर आप वियतनाम में है तो 5 साल का आपको ऑटोमेटिकली वहां से मिली जाएगा और ये 30 डेज के लिए आपको वहां से लाजिम चेकआउट होना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने देखी है इस वीडियो में आपको बता दी फिर भी, लेकिन इसमें कुछ भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कैसे अप्लाई करते हैं या क्या और जो है इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।